आप बताएं आपकी स्पेशलिटी यहाँ पे क्या है वैसे? ये तुर्क लेटर ठीक, और थी हमारे पास होती है लैम रोस्ट और लैम रिब्स जो हम लोगों ने ट्राई किया है। लैम रोस्ट पसंद है आपको? बहुत मज़ा आया। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping. अस्सलाम वालेकुम, एक और हाजिर हैं। आज हम लोग आए हैं ज़ियाद पे। आज हम लोग यहाँ के स्पेशलिटी ट्राई करेंगे, टर्किश प्लेटर, लैम रोश, ये सब का ट्राई करेंगे आपको, आपको बताएंगे कि जायका कैसा है एकदम। और असल में पहली बात तो ये कि मैं लैम इतना खाता नहीं हूँ शौक से, बस मुझे बस ये डाउट है कि बस हीक ना हो उसमें, तो बाकी आपको बताएंगे कि कैसा है और ऑनेस्ट रिव्यू देंगे आपको। फिर चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं आपकी स्पेशलिटी यहाँ पे क्या है वैसे? हमारी स्पेशलिटी तीन है। फर्स्ट जो है 13 किस्म की हमारी बिरयानियाँ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं उनके। और दूसरी हमारे पास है तुर्क प्लेटर ठीक, और थ्री हमारे पास होते हैं लैम रोश और लैम रिब्स जो हम लोगों ने ट्राई किया है। लैम रोश पसंद है आपको? बहुत मज़ा आया बहुत। और तुर्क प्लेटर कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन, अमेजिंग। आप लोग मस्ट ट्राई करें यहाँ पे आके, मैं यही कहूँगा। और सर टाइमिंग क्या बता दें आप मुझे? हाँ, जो टाइमिंग का जो शेड्यूल है वो है दोपहर 1 बजे से रात के 1 बजे तक। सही, इसमें अंदर हम लोग 4 से 5 बजे से फैमिली डाइनिंग्स ओपन कर देते हैं। आपका रूफ टॉप भी है, डाइनिंग भी है? बिल्कुल, हमारे दोनों पार्ट्स हैं। जिसको रूफ टॉप चाहिए उसको रूफ टॉप दे देते हैं, जिसको डाइनिंग के नीचे के लिए चाहिए उसको डाइनिंग। और प्राइवेसी का हम लोग खास ख्याल। सही सही, हम लोगों ने रूफ टॉप पर बैठे खाना खाया है। आपकी मर्जी, आप डाइनिंग का बोलेंगे, नीचे का आउटडोर भी और रूफ टॉप भी है। लोकेशन आप बता देंगे? ये लोकेशन अबुल हसन स्वानी रोड की है। ठीक, अगर कोई इवेंट करवाना चाहे यहाँ पे रूफ टॉप पे, जैसे बेहतरीन अमेजिंग पूरा व्यू वगैरह है, अगर आप बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप प्री बुकिंग्स वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, आपको रूफ टॉप पे भी बर्थडे अगर जिस तरह की आप सेलिब्रेशन करवाना चाहते हैं, बिल्कुल, अगर हम पिक्चर शेयर कर सकते हैं कि मुझे हमें इस टाइप की सेलिब्रेशन वगैरह चाहिए तो बिल्कुल आपको। वैसे मैं नंबर नीचे दे दूंगा, नंबर आ रहा होगा, आप बुकिंग करवा देगा पहले, और आपको बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह कोई भी आपको कोई भी इवेंट करवाना है आप करवा सकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्राई करते हैं टर्किश प्लेटर। तो पहले पहले बंदी निकालते हैं, राइस राइस ट्राई करेंगे। राइस कैसा है? ये अदाना कबाब है, तो हम वो ट्राई करते हैं पहले। और ये सब लैम्प पे, सिर्फ चिकन में सिर्फ विंग्स है, बाकी सब जितने भी कबाब है सब लैम्प के कबाब है। तो ट्राई करते हैं कैसे हैं। नो डाउट बहुत अच्छा कबाब है। अच्छा, मैं समझ रहा लैम में हीक होती है मीट में लैम की, ये लेकिन हीक नहीं है बिल्कुल भी, और कबाब बहुत अच्छा है लैम का। मुझे ना इसकी सॉस बहुत अच्छी लग रही है। लैम का गोश्त एकदम ऐसा हो गया ना, एकदम गला हुआ एकदम, और लैम का गोश्त वैसे भी नरम बहुत होता है। तो हम डायरेक्ट कबाब ट्राई करते हैं। नो डाउट बहुत अच्छा कबाब है, और जो उसकी सॉस है सिर्फ टर्किश सॉस, सिर्फ आप अगर ऐसे ही खाएंगे ना आपको ऐसी अच्छी लगेगी, नमकीन नमकीन सॉस है एकदम। और ये ट्राई करते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ ये मैं ट्राई करूँ सॉस के साथ, टर्किश सॉस है ये एक रेड। ये एकदम जिस तरह बीफ की बिहारी बोटी होती है एकदम नरम नरम, बिल्कुल बारबेक्यू वाला वही जायका आ रहा है, और ये भी बहुत अच्छा है। और मैं चिकन विक्स में ये ऐसी ट्राई करता हूँ हाथ से, और मुझे बहुत अच्छी लग रही है एकदम ग्रिल हुई भी एकदम अच्छी। चिकन विक्स बहुत अच्छा है यार। ज़ियाद पे आके ज़रूर ट्राई करें आप, तो खाया नहीं जाएगा मैं से इतना सारा। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब है ये, बहुत अच्छा जायका दे रहा है, और आते साथ पिटा ब्रेड वैसे भी बहुत सॉफ्ट होती है, लैम का गोश्त भी बहुत सॉफ्ट है। अच्छा, मैं बहुत ये गोश्त आप खुद देखें इतना टेंडर हुआ है, बहुत नरम गोश्त है, बहुत नरम गोश्त, और इतना डॉट बहुत अच्छा है, प्लेटर बहुत अच्छा है। जब तो कहता हूँ अगर आप दो बंदे आराम से आएँगे तो आप ये एक प्लेटर बहुत है आपके लिए। अब हम लोग ट्राई करते हैं रोश। रोश आ चुका है, तो रोश ट्राई करते हैं। ये भी लैम्प है,
मैं तो इस बात से बहुत सहमत हूँ कि लैम में जो हीक होती है, मैं बस ये डर था यार लैम में हीक होती है मीट में, तो मैं तो डाउटफुल था वो मैं क्लियर हो गया। जिस तरह मैंने टर्किश प्लेटर ट्राई किया इसमें बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं रोज़ भी अब आराम से खा सकता हूँ। तो मैं बस ट्राई करता हूँ, मुझे मुँह में पानी आ रहा है वैसे ये रोज़ देख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोज़ एकदम गलत है। आप करीब लेकर आएगा, जो रोज़ के अंदर हड्डी थी ना, ये देखें हड्डी आप ऐसे बाहर आ गए। सो मैंने सिर्फ नाइफ लगाई ये कट करने के लिए, इतना गला हुआ गोश्त था, एकदम पूरा अलग हो गया। ये देखें आप, ये चेक करें आप, टेंडर देखें कितना एकदम, ये देखें ऐसे गोश्त अलग हो रहा है एकदम, इतना नरम गोश्त, फुल जूसी है। मैं सिंपल बगैर उसकी चटनी ट्राई करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें, और फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।